हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूनिक विद्या भवन। तो हमारा चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू। गए बार हमने गए सेशन में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर इंपॉर्टेंट टाइप्स दैट इज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी एंड वायरसेस। वायरसेस के बारे में हमने डिटेल में जाना था। इस बार हम जो पढ़ने वाले हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी ऑफ सिंगल सेल और मे बी ऑफ मल्टी सेल्स। सिंगल सेल यानी सिर्फ एक ही सेल के बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे फंक्शंस उसी सिंगल सेल में होते हैं। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स एक से ज्यादा सेल से बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये कहीं पे भी पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हम आइस में देख सकते हैं। दे कैन बी फाउंड इन आइसी कोल्ड रीजन, जहाँ पे बर्फ है, तो आइसी कोल्ड रीजन में भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डेजर्ट्स ऑल्सो। वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मार्शी एरियाज ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी खुद की एक लेवल पे, अपने खुद के एक एडेप्टेशन में वो रहता है, उसका एक अलग हैबिटेट होता है। तो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक जगह पर देखने को मिलेंगी। नाउ देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, विच कैन बी फाउंड इन एनिमल्स ऑल्सो, विच कैन बी फाउंड इन बर्ड्स ऑल्सो, विच कैन बी फाउंड इन प्लांट्स ऑल्सो। सो ऑल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिजीज प्रोड्यूसिंग। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये डिजीज प्रोड्यूस करते हैं ये जरूरी नहीं है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रियली रियली वेरी फ्रेंडली टू अस, टू ह्यूमन बींग्स, टू एनिमल्स, टू प्लांट्स। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन कर्ड, दही में जो ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस। ये जो ऑर्गेनिज्म है, इज इट हार्मफुल टू अस? नो, इट इज नॉट हार्मफुल टू अस, बट इट इज अ फ्रेंड टू अस, इट इज फ्रेंडली टू अस। हाँ, नाउ दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जब हमने बचपन से देखा है कि मम्मी जो होती है वो थोड़ा दूध थोड़ा सा गर्म करती है और उसके अंदर एक चम्मच दही मिलाती है। जब वो एक चम्मच दही मिलाती है, उसको रात को रखती है और 6 से 8 घंटे के बाद में जब सुबह हम उठते हैं, तो हम वो जो मिल्क होता है वो पूरा दही में, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। Why is it so? Because the small amount of curd which was added in that milk contained lactic acid bacillus. ये जो lactic acid bacillus होता है, ये मिल्क में बढ़ने का काम करता है, रिप्रोड्यूस होने का काम करता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। 6 से 8 घंटे में वो बढ़ता है और वो मिल्क को, पूरा जो मिल्क होता है उसको सेट कर देता है कर्ड में, कर्ड में उसको सेट कर देता है। और इस तरह से जब हम वो कर्ड खाते हैं, डू वी गेट डिजीज? जब हम वो दही खाते हैं तो क्या हम बीमार पड़ते हैं? नहीं, दैट इज अ गुड बैसिलस फॉर अस, इट इज अ friend to us, it is a good microorganism to us. So this chapter is named as microorganisms friends and foe. Okay, the second thing I want to tell you is about yeast. Yeast is also a organism, yeast is also a microorganism. Aur ye jo yeast hota hai, ye hamare commercial life mein ya hamare day to day life mein bahut important hota hai. Like हम सब ब्रेड खाते हैं, हम सब ब्रेड खाते हैं, हम सब पिज़्ज़ा खाते हैं, तो ये जो पिज़्ज़ा के डो होता है, पिज़्ज़ा का जो डो होता है, या पिज़्ज़ा का जो आटा होता है, या ब्रेड का जो डो होता है, उसके अंदर क्या होता है? सो उसके अंदर भी ईस्ट होता है। ईस्ट जो होता है वो जब वो ड्राई फॉर्म में रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब इस ईस्ट की एक पिंच को हम आटे में डालते हैं,
एक पिंच हम ईस्ट की इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ईस्ट को हम जब आटे में डालते हैं और उसके अंदर थोड़ा लिकवॉर्म वाटर डालेंगे और आटे आटे को हम गूंदेंगे और फिर उसको हम ऐसे ही रखेंगे 2 से 3 घंटे में हम देखेंगे कि आफ्टर 2 to 3 आवर्स द क्वांटिटी ऑफ दैट डो जो आटा हमने गूंदा था वो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है. ओके सो व्हाई इज सो वाई इट हैपन सो. तो वो जो ईस्ट होता है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है. एक्टिव होने की वजह से वो रिएक्ट होने लगता है आटे के साथ, वो रिप्रोड्यूस होने लगता है, उसकी मात्रा बढ़ाता है. उस तरह से वो डो को भी बढ़ाता है और इस तरह से हम जो ब्रेड खाते हैं या हम जो पिज्ज़ा खाते हैं वो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ईस्ट उसकी मात्रा बढ़ती है और जब वो बन के निकलता है, ब्रेड बन के निकलता है तो वो सॉफ्ट होता है, डोई होता है, खाने के लिए टेस्टी होता है. और इस तरह से जो ईस्ट हम अगर ब्रेड खाएंगे या अगर हम पिज्ज़ा खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड इन दिस डू इज अ फ्रेंडली टू अस. ओके सो इट इज नॉट हार्मफुल टू अस और इट इज नॉट हार्मफुल टू अवर बॉडी. द सेकेंड थिंग देखो, हम अगर जैसे कि हम इडली बनाते हैं घर में या हम डोसा बनाते हैं घर में तो क्या करते हैं, तो चावल होता है, दाल होती है, उसको पीसते हैं एंड पूरी रात उसको हम रखते हैं और पूरी रात रखने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो पिसा हुआ जो घोल है वो बढ़ गया है. सो इट स्टार्ट्स फर्मेंटिंग, फर्मेंटेशन होता है उसमें, फर्मेंटेशन पूरी रात चलता है. बिकॉज हाउ डज दिस फर्मेंटेशन ऑकर्स, उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, फर्मेंटेशन होता है, वो फर्मेंट करता है, इकट्ठा करने का काम करता है और फिर जब हम सुबह उसको बनाते हैं तो वो सॉफ्ट होता है. इडली जो हम बनाते हैं दैट इज सॉफ्ट, खमन बनाते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ढोकला बनाते हैं वो सॉफ्ट होता है. पूरी रात हम उसको फर्मेंट करते हैं, उसमें बैक्टीरियाज बनते हैं, बैक्टीरियाज रिएक्ट होते हैं और इस तरह से फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से जब हम उसको सुबह बनाते हैं या दोपहर को बनाते हैं एंड वी ईट इट, इट डजंट कॉज एनी हार्म टू अस बट इट इज इट इट टेस्ट टेस्टियर, इट टेस्ट टेस्टियर एंड इट इज नॉट हार्मफुल. दो इट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, लेकिन वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं. ना वी ऑल नो दैट बाहर जो वाइन मिलती है या जो अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल जो होता है उसमें क्या होता है, तो अल्कोहल जो होता है उसमें फर्मेंट करने के लिए, उसको सड़ाने के लिए, वो जो सारे अल्कोहल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सड़ाने के लिए कितने दिन तक उसके अंदर ये ईस्ट डाला जाता है और कितने दिन तक उसको बंद रखा जाता है और फर्मेंटेशन होता है उसके अंदर. फर्मेंटेशन होने के बाद वो सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें से अल्कोहल बनाते हैं एंड दैट अल्कोहल इज कंज्यूम्ड बाय दोज हु आर टेकिंग अल्कोहल और दोज हु आर टेकिंग वाइन. तो दैट इज नॉट हार्मफुल, वो फर्मेंटेशन का सिर्फ काम करता है. अगर हमने अल्कोहल या वाइन एक लिमिटेड अमाउंट में लिया तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, वो इट इज नॉट डिजीज प्रोड्यूसिंग. सर्टेन बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन, लाइक आई टोल्ड यू दैट लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है. तो क्या वो हमको डिजीज प्रोड्यूस करता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है? तो नो. व्हाट हैपेंस दैट इन सर्टेन डिजीजेस लाइक इफ वी सफर फ्रॉम डायरिया या गैस्ट्रो एंट्राइटिस, अगर हमको डायरिया हो गया है, लूज मोशंस हो गए या गैस्ट्राइटिस हो गया है, वॉमिटिंग हो रहा है या लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में से पानी की मात्रा निकल जाती है और इंटेस्टाइन में जो ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी पानी के साथ निकल जाते हैं. तो हमको अभी ये बैक्टीरियाज चाहिए बिकॉज हमारे इंटेस्टाइन में ये गुड बैक्टीरिया से ये निकल गए, बट आवर बॉडी नीड दिस बैक्टीरिया. सो वॉट डज डॉक्टर रिकमेंड अस इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया और गैस्ट्रो एंट्राइटिस, वो हमको क्या बोलते हैं, यू इनटेक कर्ड, आप दही खाइए, आप बटर मिल्क खाइए, आप छाछ पिए. क्यों ऐसा बोलते हैं, बिकॉज
दही और बटर मिल्क दोनों में लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है, और अगर हम वो इंटेक करेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन में जो निकले हुए लैक्टिक एसिड बैसिलस है वो वापस हमारे इंटेस्टाइन में दही और छाछ पीने से वापस हमारे इंटेस्टाइन में वो आएंगे, और इस तरह से वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो सर्टेन बैक्टीरिया, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्टेन बैसिलस आर रियली वेरी फ्रेंडली टू अस, एंड नॉट ऑल दिस बैक्टीरियाज आर हार्मफुल टू अस। दैट इज वाई वी द चैप्टर इज नेम एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फू, एंड आईव टोल्ड यू समथिंग अबाउट हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली टू अस, हाउ दे आर हेल्पफुल टू अस। इन अवर नेक्स्ट सेशन विल टच समथिंग, विल लर्न समथिंग मोर अबाउट दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू।